सीरियल वंशज का लास्ट डे सेट पर हुआ अंतिम सीन शूट। जी हाँ, पॉपुलर सीरियल वंशज में आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सभी कलाकारों ने अपना आखिरी एपिसोड शूट किया। ट्विस्ट और इमोशन मोमेंट्स से भरी इस इनक्रेडिबल जर्नी के बाद सभी कलाकार और क्रू मेंबर्स शो को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया था। सीरियल वंशज के सेट का माहौल बेहद भावुक था, क्योंकि यहां एक शॉकिंग ट्विस्ट के साथ शो का अंत हो रहा है। जी हाँ, यहाँ सीरियल वंशज के सेट का माहौल भी काफी भावुक है, क्योंकि यहाँ सीरियल में एक शॉकिंग ट्विस्ट वाला अंत देखने को मिलेगा, जहाँ युविका और यश तलवार ने एक दूसरे पर बंदूक तान रखी है। और फिर क्या हुआ, ये आप खुद देखिए। कुल मिलाकर शो का अंत इस तरह से हो रहा है कि युविका और यश तलवार एक दूसरे पर बंदूक ताने हुए नजर आएंगे। टेली टॉक से बात करते हुए प्रमुख कलाकारों को इमोशनल होते देखा गया, जहां उन्होंने शो की सफलता के दौरान साझा किए गए यादगार पलों को याद किया। ये सीन बेसिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और अलग अलग पीओवी से शूट हुआ है। इस सीन में द ऑर्गन ट्रेडर, युविका को पता चलता है वो ऑर्गन ट्रेडर के पास आई है, और यश भी वहाँ पहुँचा है। यश को बोला गया है युविका को मारो वरना तुम्हारी फैमिली जाएगी। तो ही इज़ इन अ डिलेमा, शी इज़ कम टू पे द मनी एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग। तो उसके बीच में इन दोनों की अपनी एक प्लानिंग है, उसका अपना एक पर्सपेक्टिव है, युविका का, यश का अपना एक पर्सपेक्टिव है। उसके बाद हाउ दे कनेक्ट, हाउ दे डील विद इट एंड व्हाट हैपेंस इन द एंड। नहीं, शो की एंडिंग बहुत खूबसूरत होगी। शो की वो होता है ना, डायलॉग है ना, कि जब तक सब सही ना हो जाए तो मतलब अंत नहीं है मेरे दोस्त, हैप्पी एंडिंग। तो हैप्पी एंडिंग ही होगी, वो क्या होगी वो तो आपको देखना पड़ेगा। बट हाँ, हमें तो यही लग रहा है कि कौन बचेगा कौन नहीं। बस यही ऑडियंस को भी लगना चाहिए यार, कौन बचेगा कौन नहीं। जी अब सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट बीन एसोसिएटेड विद द शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब कुछ 2-3 महीने हुए। बट आई थिंक आप किसी भी किरदार को जब खुद को समर्पित करते हो, व्हेन यू गिव योरसेल्फ टू द कैरेक्टर एंड द शो, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ फीलिंग विच इज अ सिंकिंग फीलिंग। तो वो है, ऑफकोर्स आपको बुरा लगता है क्योंकि आप घर से बहुत दूर हैं, यही आपका परिवार बन जाता है, यही लोग हैं। सो इट गेट्स ऑन टू अ लिटिल ऑन द नो सैडर साइड ऑफ इट, बट आई थिंक दैट्स द वे television works, that's the way everything works. What's kahin shuru hua hai to kahin ant to hoga hi, aur ant hoga to agli shuruaat bhi hogi. So I think it's for the good. I wish all of them all the best. They're fantastic actors, they're fantastic crew, amazing people to work with, brilliant production house. So I think yeah, but it's a sinking feeling last 2 din. So I think yeah, हाँ बिल्कुल, इतना टाइम हुआ नहीं ना, इसलिए अच्छी तरह याद है। सो आई थिंक द फर्स्ट सीन इज व्हेन आई जंप ऑफ द क्राफ्ट बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर मीटिंग, और उसमें सामने वाला रोकता है मुझे कि सर आप ऐसे मत करिए, आपका दिल बहुत कमजोर है, एंड ही स्टिल जंप्स। सो आई थिंक या दैट्स द फर्स्ट सीन। देखिए यार, मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है लाइफ में, मैं बहुत चूजी हो जाता हूँ या फिर लोग मुझे लेते नहीं है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस बट इट्स ऑलवेज अ बिग ब्रेक। पता नहीं, कई चीज़ें मुझे समझ नहीं आती, कई चीज़ें उनको नहीं समझ में आती। जब मुझे समझ में आती है उनको मैं समझ में नहीं आता, फिर जब मुझे समझ में आता है तो उनको समझ में नहीं आता। ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम हो जाता है। सो आई डोंट, देयर कॉल्स ऑलवेज दैट कीप कमिंग, देयर कॉल्स दैट यू ऑल्सो मेक टू गेट वर्क ऑनेस्टली एज एन एक्टर। कौन सी चीज़ मटीरियलाइज होती है, कौन सी चीज़ आपके लिए लिखी है, यू नेवर नो। No, 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 Big Boss, not got a call.
not interested in getting called also. Are you interested? No. I think I'm a reality show khatro khiladi hai. Khatro ke khiladi kar sakta hu. I think that's more my zone. But Big Boss to nahi ho payega yaar. Matlab Big Boss mein fir galat ho jayega hisab kitab. Main pehle din bahar aa jaunga. Kyunki wo clause hai na marne ka. Mera haath to pakka ud jayega. Wo risk hi nahi lena mere ko life ke sath. Kabhi aapko aaya to is wajah se aapne nahi kiya. अप्रोच किया गया था बहुत आई थिंक दो तीन बार अप्रोच किया था बट दैट वाज इयर्स अगो इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट ईयर आल्सो आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग बट तब भी नहीं समझ में नहीं आया मैं मीटिंग के लिए गया था ऑफ कोर्स ऑनेस्टली बट जब उन्होंने समझाया और मेरे को समझाने की कोशिश की तो मैंने उनको अपनी बात समझाई वो उनको समझ में नहीं आई मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई फिर हम दोनों ने समझ के यही फैसला किया कि ये हमारे लिए नहीं यहाँ से जब जाएंगे क्या मिस करेंगे क्यों झूठ बुलवा रहे हो झूठ ही बोल रहे यहाँ से जब जाऊँगा क्या मिस करूँगा आई थिंक द होल क्रू बिकम्स अ फैमिली है बिकॉज अब दिन रात उन्हीं लोगों के साथ हैं उठते बैठते आप एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं और एक कनेक्शन बन जाता है जैसे इस शो में मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना है मेरे भाई और बहन से मतलब आई थिंक दैट्स अ रिलेशन आई वुड कीप फॉर लाइफ बोथ अक्षत एंड सिया दैट इज साहिब एंड जीनल I think I'll miss them the most. And I'll also miss the whole crew for sure because everyone becomes a family. And also I will miss someone very, very important for me in my life who are the dogs outside my makeup room. Yeah. I think the kids, the puppies, I have a soul connect with dogs. So I will miss them for sure. Lastly, do you think fans abhi bhi keh rahe hain ki naya season aaya, naya dusra season aaya, kya aapko bhi अभी भी आते हैं बहुत डीएम्स आते हैं आई थिंक जिद्दी वॉज वन शो विच बिकेम अ कल्ट जब हमने शुरू किया था हमने ना इस मोटिव से शुरू किया था ना हमें पता था वो किस जगह पहुंचेगा बट आई थिंक पीपल लव्ड इट सो मच दैट इट वॉज सो मच टॉक्ड अबाउट ऑनलाइन ट्विटर पे रोज ट्रेंड हो रहा है सो ऑल ऑफ दैट वी डिडंट एक्सपेक्टेड ऑनेस्टली वी डिडंट एक्सपेक्टेड और खासकर मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा बिकॉज मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है But having said that, there was so much happening with that show. So I really think that was one of the most fantastic shows made in the last few years, where everyone had a story, everyone had a connect, same age group people. There was no. Pehla set hai is duniya ka, jispe maine kaam kiya, jisme aapsi malal nahi tha. Bilkul nahi tha. Kisi ke kisi se koi malal nahi tha. So I think, jab energies aisi hoti hai na, to show apne aap hit ho jata hai. Log mang rahe hain, hum bhi mang rahe hain second season aa jaye. Ab I don't know aayega ki nahi. मेकर्स की तरफ से तो नहीं लोगों की तरफ से पता चला था मेरे को नहीं पता उनको किसी ने बताया मुझे तो नहीं पता है किसी ने देखिए फॉर मी आफ्टर अर्जुन आई हैव ऑलवेज सेड इफ देयर इज वन शो व्हिच आई वुड लव टू डू अगेन दैट इज जिद्दी बिकॉज करण शेरगिल इज एज क्लोज टू मी एज अर्जुन इज सो या एनी गिवन डे जस्ट दैट आप लोगों ने बहुत सराहाया है आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है आप लोगों की डिमांड्स मैं पूरी नहीं कर पाता सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होने की बट मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ पर वो कोशिश ट्रांसफॉर्म नहीं होती पर फिर भी आपकी मोहब्बत आपका प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ सो जस्ट कीप लविंग मी द सेम वे गाइज आई थिंक कीप द लव कमिंग बिकॉज किस्मत वाले होते हैं जिनको इतनी बेइंतहा मोहब्बत मिले और मैं अपने आप को किस्मत वालों में से ही गिनता हूँ कि बिना जाने पहचाने भी अगर आपको इतनी दुआएं और मोहब्बत मिलती है तो बस देते रहिए मोहब्बत करते रहिए मोहब्बत देते रहिए दुआएं और आई विल ट्राई टू कीप एंटरटेनिंग यू गाइस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन कुल मिलाकर वंशाज का आखिरी दिन नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ था क्योंकि क्रू ने आखिरी शॉट की तैयारी की जिसमें उस कहानी की आत्मा कैद हो गई जिसने लंबे समय तक दर्शकों को बांधे रखा शो भले ही खत्म हो रहा है लेकिन पर्दे के पीछे की टीम अपनी यादों के साथ आगे बढ़ रही है।